तो कुकिंग का काम है बहुत सारा और टाइम है आपके पास काम, तो आप इस तरह से, मैं आपको एक टिप बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। चना जो है मैंने बेकिंग सोडा लगा के भिगोए हुए थे, और मैंने आलू चने भी बनाने हैं, स्प्रिंग रोल्स भी बनाने हैं, और क्या, इसलिए मैंने आलू भी बॉईल करने हैं, चने भी बॉईल करने हैं, चिकन भी बॉईल करना है। सो मैं क्या करूँगी, वन पॉट कुकिंग करूँगी। ये ले लिए चने, इसमें पानी डालूंगी, इसी में आलू डालूंगी और इसी में चिकन है, वो एट अ टाइम बॉईल हो जाएंगे और मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये आ गया 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और ये आगे 2 आलू, और इसको आपने अच्छे से वॉश करके डालना है। और इसके बाद ये आ गया मेरे पास जो चिकन, जो कुछ बॉईल करना था वो हमने इसमें डाल दिया है, और हमने डाल देना है ढेर सा पानी, और इसको हमने, मैं लगा दूंगी प्रेशर पे, और जस्ट ये आपको लगेंगे 7 से 8 मिनट। तो ये लीजिए 8 से 10 मिनट में जो है मेरी सारी चीज़ें जो रेडी हो गई हैं। अब मैं इसको इनमें से अलग अलग निकाल के जैसे भी चाहिए मैं यूज़ कर लूँगी, और चेक करती हूँ कि चने अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। हॉट 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 गल गए जी, इट्स डन। अब मैं ऐसे करूँगी, इसको छोड़ देती हूँ। कुकिंग का काम जो है ना वो मैं करूँगी शाम में, शाम में मतलब 4:30 बजे के बाद। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज है रमज़ान का पहला रोज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, सो रमज़ान मुबारक। और कैसा गुजर रोज़ा, आई होप सब ठीक ठाक ही होंगे, और क्योंकि आज जो है ना नस्बता मौसम काफ़ी गर्म है, और पहले जैसे रूटीन में मौसम रहता था ना वैसा नहीं, आज सही ऐसे एक गर्मियों वाला मौसम लग रहा है, खूब सूरज निकला हुआ है। सो फिलहाल तो रोज़ा फर्स्ट क्लास आ रहा है, और अभी मैंने थोड़ा सा बॉइलिंग का काम कर रही थी किचन में, मैंने सोचा और बाकी जो कुकिंग कर रहा मैंने सोचा कि 4 बजे के करीब स्टार्ट करूँगी, और लेकिन अब जैसे ही मैं नमाज और कुरान पढ़ने के लिए बैठी ना, मैंने सोचा कि अभी टाइम फ्री है तो मैं आपसे सलाम दुआ कर लूँ, और फिर जैसे ही मैं अब नमाज़ पढ़ने लगी तो बहुत सारे काम जो है ना माइंड में घूम रहे हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। अभी मैंने ना जो आलू चने के लिए इमली का पल्प, इमली भी को के रख देती हूँ, छोटे छोटे से काम है ना वो बहुत टाइम ले लेते हैं। सो मैंने सोचा कि अभी बॉइलिंग का काम और इमली भी को के रख देती हूँ, और इस तरह से पकौड़ियाँ जो थी उनको भी को के रख देती हूँ, बाकी कुकिंग का काम जो है ना वो मैंने 4 बजे के बाद स्टार्ट करना है, बाकी उतनी देर तक ना जो भी टाइम है वो मैंने अपने नमाज कुरान के अलावा भी मैंने कोई काम को नहीं छेड़ना है। फिलहाल रूटीन के काम तो चलते ही रहते हैं, क्लीनिंग हो गई और उसके बाद अभी लॉन्ड्री से फ्री हुई हूँ। तो सो मेरी कोशिश होगी कि मैं रमज़ान में थोड़े बहुत ना टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं होंगी क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि ज़्यादा टाइम निकाल के वीडियो देखें, छोटी सी वीडियो होगी और लेकिन मुफीद होगी। आज भी मैं जो बॉइलिंग का काम करने लगी, फिर मेरे पास टाइम, मैंने सोचा कि एक ही टाइम में ना सारी चीज़ें बॉयल कर लेती हूँ, वन पॉट बॉइलिंग का मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया, ज़रूर ट्राई की। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि घर में सबके ही रोज़े होते हैं, और आप समझ लें कि हादी का भी रोज़ा है। हादी, हादी इधर तो आए हैं। बस हादी की डाइट ही ऐसी है कि वो सारे दिन में ना इसका रोज़ा ही समझें, बस अल्हम्दुलिल्लाह सबका रोज़ा होता है। और जैसे ही जो है ना हादी को भी बहुत शौक है रोज़ा रखने का, तो हम कहते हैं कि यार आपका भी रोज़ा है, और जो बेबीज होते हैं ना दिन में एक टाइम में खाना खा सकते हैं, और बस वो भी इस तसल्ली में है कि मैंने भी रोज़ा रखा हुआ है, और उसको माशाल्लाह से सब बच्चों को ना रोज़ा रखने का बहुत शौक है घर में, और ये एक्चुअली घर का माहौल ही होता है, बच्चों को शुरू से जो आदत डालना तो वही जो है वो उनकी पुख्ता हो जाती है। चलिए फर्स्ट तो मैंने 1 पॉइंट बॉइलिंग कर ली सारी, और अब मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, और यही जो है ना मैं आलू चनों में और भल्लों में सब चीज़ें मैं यूज़ कर लूँगी, और एक बार मैं इमली की चटनी बना के रख लूँगी और ये सब चीज़ें मैं यूज़ होगी।
सो आपने जब ये बना के रख लेनी है, ज़रूरी नहीं हर बार आप इमली भिगोएं और इसका पल्प अलग करें। आलू चनों के लिए आप चटनी बना लेंगे ना, यही भल्लों में काम आ जाएगी और यही जो है वो आलू चनों में काम आ जाएगी। आप इसमें थोड़ा सा मीठा कम रखें तो आलू चनों में जो ना अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, करना क्या आपने इसमें पानी ऐड कर देना और इसको पका लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और अभी गर्म नहीं हुआ। आपने चाहते हैं तो आप इसकी गुठलियाँ अलग कर लें पहले से या बाद में, और मैं इसी तरह से पकने के लिए इसको रख दिया है। अच्छा, थोड़ी सी बॉयल हो गई तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे मैश कर देना है और ये गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। तो अब हमने इसको क्या करना है, छान लेना है। अच्छा, छानना किसमें? मैं एक टोकरी ले लूँगी प्लास्टिक की, इसमें इजीली छल जाएगा और हमें ज़्यादा पतला पानी नहीं चाहिए ना, थिक थिक पेस्ट चाहिए, ठीक? और इसको इस तरह से अच्छे अच्छे से मैश कर दिया और इसको यहाँ उठा लिया, और ये आ गया हमारा नीचे इमली का पल्प। अब हम इसको पकाएंगे, ठीक है? अगेन उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ का एक बड़ा सा पीस। इसको चाहे तो कूट के डाल दें, इससे अभी जो है ना डिसॉल्व हो जाता है। हाफ टी स्पून के करीब डालना है आपने सॉल्ट, 1/3 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देना है मीडियम से फ्लेम पे, और इसको थिक सा कर लेना हमने, ठीक है? सोची 10 मिनट ही कुक होने के बाद ये हमारी इमली की मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी जो है वो रेडी हो गई। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर इसको जार में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब दिल करेगा ना आप इसको आलू चनों में और भल्लों में जो और किसी भी स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो ये आ गई हमारी इमली की मज़ेदार सी चटनी, मैंने जार पर ट्रांसफ़र कर दी। अभी इसमें मज़ीद ठंडी होने दूँगी, देन इसका ढक्कन मैंने बंद करके इसको फ्रिज में रख देना है। अच्छा जी, ये मैंने ले लिए 2 आलू और तकरीबन 1.5 कप के करीब चने, बॉयल चने, और बाकी जो थे ना वो मैंने इसको फ्रीज कर दूंगी। और अच्छा जी, मोबाइल मेरा हैंग बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। एक टमाटर छोटा चला गया और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च चली गई। अब मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस, चाट मसाला डालेंगे हम, जितना आपको चटपटा चाहिए ना। और इमली की चटनी जाएगी, ये आ गई इमली की चटनी। जार में बाकी फिल कर दिए, जितनी बची थी ना मैंने सारी इसमें डाल दी, 1/2 कप के करीब है ये। और ये आ गया बारीक प्याज, कोई क्वांटिटी नहीं है, अगर आपको ज़्यादा प्याज पसंद है ज़्यादा डालनी, बच्चे अक्सर जो है ना कम प्याज खाते थे इसलिए मैंने कम डाला है। और अब आ गया लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन डाला, ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा जूसी बनेगा और लेकिन बच्चों के गले भी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कम ऐड किया है। इसलिए कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं, अपनी मर्ज़ी से आपने इसको करना है। और अब इसको हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा आपने इसमें अगर आप डाल देंगे ना मिंट लीव्स तो बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। मेरे पास ये फ्रोज़न है, इसका भी बहुत अच्छा अच्छा फ्लेवर आएगा, और मैंने इसको भी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और फाइनल टॉप पे आप गार्निश कर लेंगे इमली की चटनी के साथ। चले जी, हमारे आलू चने हैं रेडी, और इसको कर देंगे साइड पर, आ जाएंगे नेक्स्ट आइटम की तरफ। अब आ जाते हैं समोसों की फिलिंग की तरफ। हमने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, सबसे पहले डाल देंगे हम अनियन, एक मीडियम साइज का ले लिया मैंने। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद हम डाल लेंगे बंद गोभी तकरीबन 1/2 कप, 1 कप ले लिया है बॉयल चिकन, रेड कर दिया मैंने, धनिया आ गया थोड़ा सा, ग्रीन अनियन लीव्स, वन टी स्पून सॉल्ट डाल दिया, 1 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी सोया सॉस,
जस्ट मिक्स इट और एक मिनट के लिए पका के ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है और अब हम इसको समोसों में पट्टी में फिल करेंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी फिलिंग और फिल हम करते हैं समोसे। उसमें जब मैं ऐसे करती हूँ, मैं रख देती हूँ ऊपर बिरयानी, वो पक जाएगी और उतनी देर में हम इसको फिल कर लेंगे। चलो यहाँ पे हो रही है बिरयानी, ठीक है, और मैं इसमें पानी डाल के रख दूँगी और जाके समोसे की करते हैं फिलें। ठीक है, रात को खाएँ मैंने बच्चे तो खाएंगे बिरयानी, लेकिन हस्बैंड को चाहिए तो सालन भी चाहिए। मेरी सामादी का तो थोड़ा सा बना लिया मैंने चिकन का सालन। तो आपने क्या करना है और मैं किस तरह से करना है, पहले हमने इसकी बना लेनी है कॉर्न। ठीक है, इसमें आ जाएगी हमारी फिलिंग। देन हमने मैदे और पानी का इससे बना के रखे हैं और फिर इसको हमें कर देना है बाहर। अब ये आगे हमारे समोसे इस तरह से, मैं जो है ना इस तरह से यूज की हूँ, लेकिन मैंने आपको आसान तरीका वो बताया। मैं इस तरह से मिक्सर रखा, इस तरह से रोल किया और ये हो गया। ठीक है, आपको जो भी तरीका इजी लगे ना कि आप बना। ये मेरी हमारी हो गई है समोसे की शर्ट और बिरयानी भी रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब रह गए पकौड़े, टाइम अभी आधा घंटा पड़ा, ये हाफ हो गया फ्राई, अब आ गया है नेक्स्ट बैच। हाँ, ये आगे हमारे क्रिस्पी और खस्ता खस्ता से, तो तोड़ के आपको चेक कराना चाह रही हूँ। वेट, चलो यम्मी। सो ये आ गई आपके पास चाइनीज़ समोसों की रेसिपी और इसके अलावा इमली की चटनी की रेसिपी और उसके यूज़ और इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और आलू चनों की रेसिपी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दो में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, बाय।